साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आपने पिछली वीडियो देखी होगी, बुजुर्गों का इतना गहरा ज्ञान। उसमें ये कहा गया था, कदम कदम पे बाजरा, मेंढक कूदी जवार, जो किसान ऐसे बोए दनादन भरे भंडार। बीज की दूरी का गजब का सिद्धांत। ऐसे ही मैं आज आपके बीच में एक दूसरा सिद्धांत लेके आया हूँ, जो है मौसम विभाग से जुड़ा हुआ। कहते हैं कि जै दिन जेठ चले पुरवाई, तै दिन सावन धुरी उड़ाई। इतना साधारण तरीके से इतना बड़ा विज्ञान समझाया है। कैसे समझाया है मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि जब जब पूर्व की हवा चलती है, तब तब वातावरण शुष्क होगा। इसका मतलब यह है कि बादल नहीं बनेंगे और बारिश नहीं होगी। तो ये कहते हैं कि जेठ महीने में जितनी ज़्यादा पूर्वी हवा चलेगी, पूर्व की दिशा की हवा चलेगी, सावन में उतने ही दिन लेट बारिश होगी। अब अगर ये बात मुझे पता चल जाए पहले से, तो मैं अपने खेत की व्यवस्था उसी तरीके से करूँगा। मौसम का पता मुझे होगा कि अब की बार मौसम सावन में कैसा होगा, बारिश आएगी या नहीं आएगी। और अगर पूर्वी हवा चल रही है तो बारिश नहीं आने वाली, तो मैं सावन के महीने में जो अपना फसलें बोने वाला हूँ या सो फसल बो रखी हैं, उनका पानी का जो सुविधा है या उसका पानी देने की कोई भी तरकीब है, वो बदलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो इतना गंभीर विषय, इतना शानदार विषय, और दो शब्दों में देसी बुजुर्गों ने कह दिया, बहुत लाजवाब है। ऐसी हर वीडियो में आप देखते रहिए। इस जो ये सिद्धांत है कि पूर्वी हवा का और बारिश का, इसको आप जोड़ते जाइए ताकि आपको खेती में बहुत फ़ायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ऐसे ही देसी तरीकों के साथ मैं आपके बीच में फिर आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।